रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास प्रेप टू। बच्चों, आज हम हरमैन उर्दू सिलसिला इब्तदाई सोम में जो अलामत पढ़ने जा रहे हैं वो है जज़म। इससे पहले हमने हमज़ा, ज़ेर, ज़बर, पेश और शद, ये पांच अलामतें पढ़ी थी। आज हमारी जो छठी अलामत है वो है जज़म। देखिए बच्चों, उर्दू में जज़म जो है वो हर किसी भी हर्फ के ऊपर आएगा, किसी भी हर्फ के ऊपर आएगा जज़म। और जज़म को पढ़ेंगे कैसे? जज़म की जो आवाज़ होगी वो होगी साकिन, यानी जज़म को हमेशा उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाएगा। ये आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। जैसे सर्द, अब देखें यहाँ मैं रे के ऊपर जज़म लगा रही हूँ, ठीक है? तो इस रे से पहले क्या है? सीन है, तो सीन की आवाज़ के साथ हम रे की आवाज़ को मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे स और र, सर, ना ये रा होगा ना रू, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, सर्द, सर्द, ठीक है? इसी तरह अगर मैं लिखूं गाफ, रे के ऊपर मैंने लगाया जज़्म, ठीक है? तो हम इसको पढ़ेंगे गर्म, ठीक है, गर्म। अगर मैं यहाँ लिखूँ नून के साथ मैं ज़ोए मिला दूँ और ज़ोए के ऊपर जज़म है, ठीक है, फिर है मीम, तो हम क्या पढ़ेंगे उसको? नज़्म, नज़्म। हम इसको नज़म नहीं पढ़ेंगे, नज़िम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम नज़्म पढ़ेंगे, ठीक है? इसी तरह अगर मैं लिखूँ यहाँ पर काफ के ऊपर जज़म हम लगा दें तो हम, और लाम, तो हम इसको अकल नहीं बोलेंगे, का की आवाज़ नहीं बल्कि आइन की आवाज़ के साथ बिल्कुल मिलाकर और साकिन करेंगे, अकल। क्या बन गया ये? अकल। ये मीम मैंने बनाया है और इसे रे, और रे के ऊपर हमने लगाया जज़म और दाल। अब हम मीम, हमने क्या पढ़ा? रे, एक तो जज़म की आवाज़ क्या होगी? साकिन होगी, और इसको पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम इसको मर अलग नहीं करेंगे बल्कि मर्द के साथ, मीम के साथ मैंने इसको बिल्कुल मिलाकर साकिन किया है, मर्द, ठीक है? यहाँ पर आपको बच्चों जज़म के कुछ अल्फाज दिए हैं जिनकी मैं अच्छी तरह आपको भी रीडिंग करवा देती हूँ। निकाल लीजिए, सफ़ा नंबर है 78, 78, ठीक है? जज़म के अल्फाज पढ़िए। दर्द, 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 जर्द, 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 सुर्ख, 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 सर्द, 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 नर्म, 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 गर्म, 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 वक्त, 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 इल्म, 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 नज़्म, 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 मुल्क, 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 मर्द, 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 अक्ल, 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 दर्द, जर्द, सुर्ख, सर्द, नर्म, गर्म, वक्त, इल्म, नज़्म, मुल्क, मर्द, अक्ल। जब आपको ये पेज अच्छी तरह रीड आउट करना आ जाए और आपको मालूम भी हो जाएगा इसी के साथ साथ कि जज़्म हमें कहाँ लगाना है, तो यही अल्फाज हमें नेक्स्ट पेज पर दिए गए हैं। तो जिन हर्फ के ऊपर जज़्म हमने पढ़ा था यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है, तो अब उन्हीं हर्फ के ऊपर आपको यहाँ पर अल्फाज पढ़ने हैं, और उन अल्फाज में जिस हर्फ के ऊपर जज़्म लगाना हो वहाँ आपने ख़ुद से जज़्म लगाना है, यहाँ आपको जज़्म लगाकर नहीं दिए गए। इसी के साथ बच्चों हमारे आज के ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।